हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस कोफोर्स लिमिटेड। कोफोर्स के स्टॉक में हमने अच्छा खासा स्पाइक देखा आफ्टर द रिजल्ट। 3800 से 4500 तक इसने नॉन स्टॉप मूवमेंट दिया है। प्रेजेंटली ये जो स्टॉक है आज भी पॉजिटिव टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो अगर आप देखोगे 35 के करीब है, एंड मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 27,000 करोड़ के आसपास है। 52 वीक्स लो देखे 3200, 52 वीक्स हाई 5200, सो ऑलमोस्ट 52 हाई एंड लो के बीच में ट्रेड कर रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अगर हम इस पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में देखें वो है पीयर्स के साथ कंपैरिजन। अगर हम पीयर्स के साथ कंपेयर करें सो ये नंबर 12 पर आता है एज फार एज मार्केट कैपिटलाइजेशन इज कंसर्न। नाउ इट इज परसिस्टेंट एंड कोफोर्स अगर हम देखें इनका मार्केट कैपिटल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट प्राइस टू अर्निंग रेशियो ऑलमोस्ट सेम है। एंड जो रिजल्ट सीजन में इन दोनों स्टॉक ने अपने रिजल्ट को डिक्लेयर किया है, परसिस्टेंट एंड कोफोर्स बोथ डिक्लेयर अ वेरी गुड रिजल्ट। हालांकि परसिस्टेंट का रिजल्ट थोड़ा ज्यादा अच्छा है, इसने ज्यादा आउटपर्फॉर्म किया है, बट प्रेजेंटली ये दोनों स्टॉक साथ साथ बढ़ रहे हैं, साथ साथ गिर रहे हैं। सो इन दोनों स्टॉक के ऊपर आपको इक्वली फोकस करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अगर हम आरओसी देखें वो भी अच्छा है, 30 के ऊपर का आरओसी स्टॉक ने डिक्लेयर किया है। TCS इन्फोसिस तो सभी के पोर्टफोलियो में होते हैं, बट इंस्टेड ऑफ TCS एंड इन्फोसिस मिड कैप आईटीज में अगर आपको फोकस करना है, कोफोर्ज परसिस्टेंस इज द टू बेस्ट कंपनी। उसी के साथ साथ आपको L&T माइंडट्री के ऊपर भी नजर रखना है, जो कि आप LTI माइंडट्री के नाम से जाना जाता है। दिस इज ऑल्सो वेरी गुड कंपनी। इस क्वार्टर का रिजल्ट थोड़े खराब रहे, बहुत खराब नहीं है, बट डेफिनेटली आने वाले टाइम में आउटपरफॉर्म जरूर करेगा। अगर हम कोफोर्स के कुछ और इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स को देखें वो है क्वार्टरली रिजल्ट। इन दिस पर्टिकुलर क्वार्टर जो रिजल्ट है बहुत ही अच्छे, 2000 करोड़ के ज़्यादा का सेल्स आए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो भी 360 करोड़ है वर्सेस 335 करोड़। एक्सपेंसेस थोड़ा बड़ा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स 307 करोड़ वर्सेस 268 करोड़, एंड जो नेट प्रॉफिट है 236 करोड़ वर्सेस 221 करोड़। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कोफोर्स के बारे में आपको पता लगना है वो है इस पर्टिकुलर स्टॉक का EPS। जो EPS है 37 है, वन ऑफ द बेस्ट EPS सिंस द कंपनी हैज इनकॉर्पोरेटेड। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट था वो मार्च 2020 में था, जब कंपनी की EPS 34 के करीब था। उसके बाद 37.37 इस क्वार्टर में कंपनी ने डिक्लेयर किया है, जो कि बहुत ही अच्छा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अगर हम इस पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में देखें भाई, टेक्निकल में सबसे इंपॉर्टेंट होता है रिलेटिव स्ट्रेंथनेस एंड मनी फ्लो, जो शॉर्ट टर्म में स्टॉक के मूवमेंट को बताता है। 70 को स्टॉक ओवरबोट होता है, 30 के नीचे ओवरसोल्ड। अगर इस स्टॉक का हम RSI MFI देखें, 73 का RSI है, 75 का MFI, यानी RSI एंड MFI में स्टॉक ओवरबॉट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ओवरबॉट स्टॉक या तो कंसोलिडेशन मोड पे जाती है या फिर उनमें प्रॉफिट बुकिंग आता है। सो 75-70 का जो रेंज है आई थिंक थोड़ा नीचे आए तभी आपको लेना है। यहाँ से 5% भी और नीचे आता है, दैट इज अ गुड जोन टू बाय दिस पर्टिकुलर स्टॉक। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अगर हम इस स्टॉक का 100-200 सिंपल एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज देखें, 3900 इज अ सिंपल एंड एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज। सो 4000 इज अ साइकोलॉजिकल सपोर्ट। आई डोंट थिंक सो एनी सर्कमस्टेंस ये 10% गिरेगा अंटिल एंड अनलेस नैसडैक में बहुत बड़ा फॉल आए। लास्ट दो दिनों से नैसडैक में भी हमने अच्छा खासा मूवमेंट देखा, 4-5-6% नैसडैक भी ऊपर आया है। अगर नैसडैक गिरता है तो डेफिनेटली मिड कैप आईटीज या फिर लार्ज कैप सारे स्टॉक में थोड़ा करेक्शन आ सकता है, दैट इज द अपॉर्चुनिटी टू बाय दिस स्टॉक। बहुत टाइम से ये 3800-4000 पे कंसोलिडेट कर रहा था एंड रिजल्ट भी अच्छा है, उसके बाद नैसडैक ने भी आउटपरफॉर्म किया। सो दोनों चीज इसके लिए साथ साथ हो रहा है, बाइंग भी आ रहा है एंड शॉर्ट कवरिंग। बहुत सारे लोग जो है वो नीचे की तरफ ट्रैप हो चुके हैं ड्यू टू शॉर्ट कवरिंग, ईच एंड एवरी डे स्टॉक का प्राइस ऊपर जा रहा है। बट जब शॉर्ट कवरिंग खत्म होगा थोड़ा कंसोलिडेशन मोड पे जा सकती है या फिर नीचे भी आ सकता है, दैट इज द टाइम जहां पे आपको स्टॉक को लेना है। परसिस्टेंट एंड कोफोर्स बोथ शुड बी इन योर पोर्टफोलियो। अगर हम इस स्टॉक का हाई लो देखें 1 वीक 3878 से 4460, यानी ऑलमोस्ट 600, यानी ऑलमोस्ट 15% स्टॉक ने मूवमेंट दिया। रिजल्ट के बाद तो स्टॉक ने आउटपरफॉर्म किया, यस्टरडे भी स्टॉक 6% ऊपर था। 3 मंथ हाई लो या फिर 1 मंथ हाई लो 3700, 3800, 3600, दीज आर द स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक। ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस कहाँ पे 5000 विल बी द नेक्स्ट रेजिस्टेंस फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक, एंड उसके पहले 4500 भी एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है। अगर रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट को डिटेल्स में देखें सो डेफिनेटली 4500 इज द फर्स्ट रेजिस्टेंस, 4630 एंड 4843 विल बी द फाइनल रेजिस्टेंस, उसके बाद 5000 विल बी द साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस। नीचे की तरफ सपोर्ट जो है वो थोड़ा दूर है, 4145, उसके बाद जो सपोर्ट आता है वो 3900 आता है। 3900 इज बिग सपोर्ट, 4000 इज साइकोलॉजिकल सपोर्ट एंड 4145। सो नीचे की तरफ आए तभी आपको स्टॉक को एक्युमुलेट करना है। स्टॉक वोलेटाइल है, अगर इंट्राडे में शॉर्ट करना है दैट इज द बेस्ट शॉर्ट स्टॉक फॉर यू एज वेल। अगर नैसडैक गिरता है सो इसमें ही सबसे ज़्यादा सेल ऑफ आता है, अगर बाइंग भी आता है तो इसमें भी सबसे ज़्यादा बाइंग आता है। सो ये ट्रेडर्स फ्रेंडली स्टॉक है, इन्वेस्टर फ्रेंडली तभी होगा जब नीचे की तरफ आपको बाइंग करने का मौका मिले। सबसे लास्ट में क्या देखेंगे, शेयर होल्डिंग पैटर्न। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न हम देखें सो इसमें प्रमोटर्स होल्डिंग 40% है, FI का 21.30, DI का 26.73 एंड पब्लिक होल्डिंग 11.96। बहुत ज़्यादा चेंजेस तो नहीं आए सिंस लास्ट क्वार्टर। सो FI का जो स्टेक है वो थोड़ा घटा है,
मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, एफआई का जो इस पर्टिकुलर स्टॉक के ऊपर स्टेक है वो 22.40 था मार्च 2022, वहाँ से कंपेयर करें दिसंबर में तो घटा है, बट जो प्रोमोटर्स होल्डिंग है वो भी थोड़ा घटा है, बट जो डीआई का होल्डिंग है वो इम्प्रूव हुआ है, दैट इज अ पॉजिटिव थिंग। सो ईच एंड एवरी एस्पेक्ट स्टॉक इज वेरी गुड, परसिस्टेंस एंड कोफोर्ट बोथ आर आउट परफॉर्मिंग स्टॉक, बट नीचे मिले तो भी आपको बाई करना है, आने वाले टाइम में ये आपको बहुत अच्छा रिटर्न भी देगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव अच्छा लगे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय।